एक COVID-19 वेरिएंट है जिसका आजकल नाम काफी अखबारों की सुर्खियों में मीडिया में देखा जा रहा है, जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है और उसी के चलते यहाँ पर श्रीनगर में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं या जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स हैं जिनका पास 2 वीक्स का ट्रैवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरली RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन भी 2 किस्म के हैं, एक फ्री एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑफर किया है, और एक पेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है। दोनों फैसिलिटीज दस्तियाब हैं। आज जो भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा RT-PCR का, उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का प्रोटोकॉल अलग है जिसमें हॉस्पिटल आइसोलेशन की जाएगी। जो DRDO हमारा हॉस्पिटल है, DRDO खनमू में जो हॉस्पिटल सेटअप किया गया है स्पेशली कोविड के लिए, जो भी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की कर रहा हूँ, या डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जो जिनने पिछले 2 हफ्ते में कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो उनकी बात हो रही है, और कोई भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री अपनी हाइड करेगा उसके लिए एक तो लीगल पनिशमेंट है और दूसरा उस पर 20,000 का फाइन भी इम्पोज होगा। तभी उससे बच सकते हैं जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और कोविड SOPs का पूरा पूरा पालन करें।